Dear students, today our topic is about types of nursery in paddy. Nursery is a place where plants are raised for transplant. नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पर हम प्लांट्स को रेज करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए. नर्सरी प्रोवाइड्स विग्रस सीडलिंग्स विदाउट इंसेक्ट पेस्ट्स एंड वीड्स व्हिच अल्टीमेटली गिव बेटर यील्ड. नर्सरी से हमें जो सीडलिंग्स मिलती है वो हेल्दी सीडलिंग्स होती है, तो उनमें इंसेक्ट पेस्ट्स और वीड्स की इन्फेस्टेशन नहीं होती है. तो अल्टीमेटली ये हेल्दी सीडलिंग्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग हमें गुड यील्ड देती है, बेटर यील्ड देती है. नर्सरी हेल्प्स टू सेव कॉस्टली सीड्स एंड टाइम फॉर ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप. नर्सरी से सीड रेट है बहुत कम लगती है, तो जो ये कॉस्टली सीड्स होते हैं वो सेव होते हैं और जो टाइम भी है वो भी काफी हद तक कम होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सरीज डिपेंडिंग ऑन वाटर एंड टाइम अवेलेबल फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नर्सरी प्रेपरेशन कैन बी अडॉप्टेड. वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी, डेपॉग नर्सरी एंड नर्सरी फॉर SRI दैट इज नर्सरी फॉर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. वेट बेड नर्सरी. वेट बेड मेथड ऑफ रेजिंग राइस सीडलिंग्स इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड वर्ल्ड वाइड. जो वेट बेड मेथड है ये दुनिया भर में सबसे मशहूर मेथड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है नर्सरी रेज करने के लिए. वेट बेड नर्सरी में हम क्या करते हैं, एक फर्टाइल और लेवल प्लॉट 100 मीटर स्क्वायर एरिया का हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट कहाँ करते हैं, नियर अ वाटर सोर्स, जहाँ पर नजदीक में कोई वाटर सोर्स हो. और ध्यान रखना है इस एरिया में जो ड्रेनेज फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो फील्ड सिलेक्ट करने के बाद हम प्लॉइंग और पर्डलिंग करते हैं और वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैनवर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं नर्सरी में. उसके बाद हम रेज्ड बेड्स बनाते हैं 5 टू 10 सेंटीमीटर हाइट के एंड ऑफ 1 मीटर विड्थ, और जो लेंथ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन आवर कन्वीनियंस. तो बेड्स प्रिपेयर करने के बाद हम प्रीजर्मिनेटेड सीड जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं और सीड रेट जो वेट बेड नर्सरी में रहती है 40 केजी पर हेक्टेयर. ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स इज डन एट द एज ऑफ 15 टू 21 डेज. 15 से लेकर 21 डेज तक लगते हैं सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होने में. यंगर सीडलिंग्स आर प्रेफरेबल एज दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स मोर क्विकली. तो हमेशा यंगर सीडलिंग्स से प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि वो अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर लेते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. ड्राई बेड नर्सरी. एज नेम इंडिकेट्स ड्राई बेड नर्सरीज आर प्रिपेयर्ड इन दोज एरियाज वेयर वाटर इज नॉट सफिशिएंट. ये उन एरियाज में हम ड्राई बेड नर्सरी यूज करते हैं जहां पर सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं होता है वेट बेड नर्सरी के लिए. Field is plowed 3-4 times till the soil is thoroughly pulverized. Field को इसमें 3-4 बार plow किया जाता है ताकि soil को एक fine tilth मिल जाए, soil pulverized बन जाए, loose fragile बन जाए. Seed beds of convenient dimensions are prepared by raising the soil to a height of about 5-10 centimeters with water channels between them. हम raised seed beds बनाते हैं of convenient dimensions, तो उनकी height जो है 5-10 centimeters रखते हैं और जो raised beds हैं उनके बीच में हम channels रखते हैं ताकि जो drainage system हो वो बहुत efficiently काम कर सके. A layer of half burned paddy husk could be distributed on the nursery bed to facilitate uprooting. हम एक layer burned paddy husk की nursery bed पर spread कर देते हैं ताकि जब हम transplanting के वक्त uprooting करेंगे तो उसमें हमें आसानी होती है. Total seed bed area is about 1/10 of area to be transplanted. जो total area हमें nursery का required होता है वो 10वां हिस्सा होता है उस area का जिसमें हमें बाद में transplanting करनी हो. तो in general 1000 meters square of nursery area is required for transplanting per hectare of area. About 80 kg of seed are required to transplant 1 hectare. तो जो seed rate होती है dry bed nursery में वो थोड़ी ज्यादा होती है, that is 80 kg per hectare due to the lower germination rate. क्योंकि जो dry bed nursery में germination rate होती है वो low होती है. Seeds are sown in rows 10 cm apart. Seeds को rows में sow करते हैं 10 cm seed to seed distance रखकर. The beds are watered thoroughly immediately after planting and twice every day thereafter. प्लांटिंग करने के बाद सीड सो करने के बाद इमीडिएटली फील्ड को इमीडिएटली इन बेड नर्सरी बेड्स को हम वाटर देते हैं, तो उसके बाद हर दो दिन में हमें पानी देना ही देना है नर्सरी में. ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स इज डन बिटवीन 15-21 डेज आफ्टर जर्मिनेशन. 15-21 डेज की एज जब सीडलिंग्स अटेन करती है तो वो रेडी होती है फॉर ट्रांसप्लांटिंग. डेपॉग मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग. डेपॉग मेथड इज ऑल्सो नोन एज मैट नर्सरी. डेपॉग मेथड हैज बीन डेवलप्ड इन फिलीपींस एंड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स. It is based upon a concept that rice seeds contain sufficient food in the form of endosperm, which permits the young seedlings to grow for up to 14 days without receiving any outside nutrients except air, water and sunlight. Dear students, जैसा कि आपको पता ही है, जो germinating seed होता है, उसमें जो stored food material होता है in the form of endosperm, तो उसी concept पे जो है Depak Nursery की बुनियाद है. तो जो ये stored food material होता है in the form of endosperm, ये seedling को 14 days तक nourish करता रहता है. The seedlings are raised on mats, trays, wooden plank, concrete floor or on raised beds covered with polythene without using any soil. Depak method में soil को use करने के बगैर ही seedlings को mats पे, trays पे, wooden plank पे या concrete floor पे हम raise कर सकते हैं. To plant 1 hectare, 9-12 kg of sprouted seeds are sown to a density of 1 kg per meter square.
एक हेक्टेयर एरिया ट्रांसप्लांट करने के लिए जो सीड रेट ढपांग नर्सरी में लगती है वो 9 to 12 केजीज पर हेक्टेयर लगती है। स्प्राउटेड सीड हम शो करते हैं एट ए डेंसिटी ऑफ 1 kg पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 kg स्प्राउटेड सीड हम शो करते हैं इन केस ऑफ ढपांग नर्सरी। सीडलिंग्स विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12th डे। 12th डे पर जो सीडलिंग्स है दे आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। सीडलिंग्स फ्रॉम 1 meter स्क्वायर एरिया आर सफिशिएंट फॉर 200 meter स्क्वायर फील्ड। 1 meter स्क्वायर एरिया जो नर्सरी का टपाक नर्सरी का होता है दैट इज सफिशिएंट फॉर रेजिंग सीडलिंग्स फॉर 200 meter स्क्वायर ऑफ फील्ड। नर्सरी प्रेपरेशन फॉर SRI मेथड ऑफ राइस प्रोडक्शन। तो SRI सिस्टम ऑफ राइस प्रोडक्शन में हम नर्सरी के लिए क्या करते हैं, एक लेवल्ड एरिया सिलेक्ट करते हैं वाटर सोर्स के नजदीक और उसमें ड्रेनेज के लिए चैनल्स भी डेवलप करते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है वो इजिली ड्रेन आउट हो सके। इसके बाद हम रेज्ड बेड्स बनाते हैं। तो रेज्ड बेड्स पे हम प्लास्टिक शीट या बनाना लीव स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो ग्रोइंग रूट्स होंगे वो ज्यादा डीप सॉइल में ना जाए। अगर रूट्स ज्यादा डीप सॉइल में जाएंगे तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या होगा, रूट डैमेज ज्यादा होगा। तो जो सॉइल जरूरत पड़ती है नर्सरी प्रिपरेशन के लिए SRI मेथड में, तो वो हेल्दी सॉइल होनी चाहिए और पोरस सॉइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल के साथ 20% वेल डिकम्पोज्ड FIM और 10% पाउडर्ड राइस हल मिक्स करके डाल देते हैं। तो अबाउट 100 meter स्क्वायर ऑफ एरिया इज सफिशियंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 hectare लैंड। 100 meter स्क्वायर एरिया ऑफ नर्सरी सफिशियंट है 1 hectare जो लैंड है उसमें ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। और जो सीड रेट है SRI मेथड में वो 7 to 8 kg पर हेक्टेयर है। A wooden frame of 0.5 meter length, 1 meter width and 4 centimeter depth with 4 equal segments is placed on the bed and the segments are filled with soil mixture. तो बेड बनाने के बाद एक वुडन फ्रेम हम रखते हैं बेड पे जो कि 0.5 meter long होता है, 1 meter wide होता है and 4 centimeter deep होता है। उसमें 4 equal segments होते हैं तो हर एक segment में हम soil mixture को fill कर देते हैं। तो soil mixture को fill करने के बाद हम pre-germinated seeds जो है वो sow करते हैं uniformly at the rate of 90 to 100 gram per meter square. सो करने के बाद सीड्स को हम ड्राई सॉइल से कवर कर देते हैं और बेड में हम रोज कैन की मदद से वाटर देते हैं और जो वुडन फ्रेम है उसको रिमूव कर देते हैं। एट 6 days आफ्टर सोइंग अ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड ऑल अराउंड द सीडलिंग मैट्स। तो 6 दिन बाद, सोइंग के 6 दिनों बाद थिन फिल्म ऑफ वाटर मेंटेन करके रखते हैं हम सीडलिंग्स के इर्द गिर्द। और सीडलिंग जो है इस मेथड में आफ्टर 15 days रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो ये था नर्सरी प्रिपरेशन फॉर SRI मेथड। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।